गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी हम इस वीडियो लेक्चर में बैलेंसिंग के बारे में देखेंगे कि बैलेंसिंग क्या होता है और बैलेंसिंग क्यों करते हैं हम और बैलेंसिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है हमें। तो देखिए, बहुत सारे जो रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग मासेज होते हैं जो मशीनरी इक्विपमेंट में, कोई भी मशीनरी इक्विपमेंट है, जैसे सपोज कीजिए कि स्टीम इंजन या आईसी इंजन या आपका बाइक, उसमें अब आपका जो बाइक है वो क्या है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन है उसमें, है ना। जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो है, आपने जो टॉम में भी पढ़ा होगा, टॉम मतलब इससे पहले, टॉम तो है ही, मतलब इससे पहले जो आपने पढ़ा होगा, जो ये होता है क्रैंक होता है, ये क्रैंकली रड होता है, और जो पिस्टन होता है ये क्या होता है कि रेसिप्रोकेट करता है, ये कनेक्टिंग रड क्या होता है, ये जो क्रैंक होता है क्या करता है, रोटेट करता है, पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है। तो इससे एसोसिएटेड बहुत सारे अनबैलेंसेस फोर्सेज आ जाते हैं, और अनबैलेंस फोर्सेज कब प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो अभी हम देखेंगे। तो एसी से रिलेटेड जो वाइब्रेशन, जो बहुत सारे वाइब्रेशन ये करते हैं, जो वाइब्रेशन कॉजिंग जो फिनोमिना होता है, जिसके वजह से हमको मेजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हो जाता है कि हमको बैलेंस, अनबैलेंस मास है उसको बैलेंस करना है। तो वाइब्रेशन कौन करता है, जो अनबैलेंस मास रहता है वो वाइब्रेशन करता है, जो फोर्सेज ऑफ अनबैलेंस मासेज, जो अनबैलेंस मासेस का जो फोर्सेज, वही वाइब्रेशन कॉजिंग क्रिएट करता है, वो किससे रिलेटेड होता है, रेसिप्रोकेटिंग मास से और रोटेटिंग मास से, दो चीज़ों से जो होता है रिलेटेड होता है, उसी के बारे में हमको यहाँ देखना है। तो लेकिन जैसे सपोज कीजिए कि रोटेटिंग मास पे है, रेसिप्रोकेटिंग मास पे है, कोई भी सिस्टम है उसका अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन, कुछ भी सिस्टम है जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन पे उसका होल सेंटर ऑफ मास अगर लाई करता है, अगर उसका सेंटर ऑफ मास उसके एक्सिस पे लाई करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये प्रॉब्लम कब क्रिएट होता है, जैसे देखिए, आपको पता है अगर कोई मास रोटेट कर रहा है, अगर कोई भी, जैसे ये कोई एक्सिस है, यहाँ पे कोई मास है रखा हुआ, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है। मास इसका जितना है, जितना ये दूर पे है रेडियस, जितना एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, मार ओमेगा स्क्वायर, ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है। तो अगर सपोज कीजिए कि हम एग्जांपल दिए हैं, ये शाफ्ट है, इस पर कोई रोटर है, वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटर है उस पर रोटेट कर रहा है। अगर इस शाफ्ट या पूरा जो होल जो सिस्टम है हमारा, शाफ्ट रोटर सिस्टम जो है, शाफ्ट रोटर, अगर इसका जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, इसका जो पूरे सिस्टम है, इसका जो सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करता है, तो इस पर कोई भी अनबैलेंसेस फोर्सेस नहीं आएंगे, कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं आएगा। लेकिन प्रॉब्लम कब क्रिएट होता है, जैसे सपोज कीजिए कि ये रोटर है इसका, या फिर ये सिस्टम रोटर और ये शाफ्ट मिला के एक सिस्टम है, इसका सीजी, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे कहीं से इसेंट्रिक हो जाता है, जैसे सपोज कीजिए ये इतना दूर इसेंट्रिसिटी है, ये इसेंट्रिक हो जाता है, तो प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होती है। क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि जैसे किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, कोई एक्सिस है इसके अबाउट कोई मास रोटेट कर रहा है, तो मास टू मैग्नीट्यूड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड टू कॉन्स्टेंट होता है, हमेशा इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, डायरेक्शन चेंज होते रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए इसमें इसेंट्रिसिटी आ गई, तो क्या करेगा, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, तो जिसके वजह से इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट आने होने लगते हैं। तो इसी प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से, तो हम इसको ठीक कैसे करें, हम इसको इम्प्रूव कैसे करें, तो हम तो दो ही तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि इस साइडेड में मास किसी सीजी किसी का अगर मेन एक्सिस से ज़्यादा हो या मेन एक्सिस के नज़दीक हो, ये सब किस पे डिपेंड करता है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। जैसे आपने आई सेक्शन बीम पढ़ा होगा, सबका निकाला होगा, तो आपने जैसे देखा होगा कि सिमेट्रिक सेक्शन जो होता है उसका सीजी बीच में लाई करता है, लेकिन जैसे अनसिमेट्रिक सेक्शन है, कोई ये अनसिमेट्रिक सेक्शन है, तो इसका सी जी कहाँ लाई करेगा, जो इसका एक्सिस रोटेशन है उससे थोड़ा सा, जो मेन जो बीच वाले पार्ट से थोड़ा दूर चला जाएगा, जिधर मासेस ज़्यादा है।
तो हमको मेन पर्पस है मेरा कि हम इसका सीजी को एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाएं, इसके सीजी को एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाएं। तो हम कैसे करेंगे, या तो ऐसा करके कर सकते हैं कि अगर सपोज कि जिस साइड मासेज ज़्यादा है उस मास को हम वहाँ से रिमूव कर दें, या जिस साइड मास कम है उस साइड में हम कुछ मास को अटैच कर दें एक्स्ट्रा मास को। आप जो अक्सर जाते होंगे, अगर कोई आदमी के पास फोर व्हीलर होगा तो अगर गए होंगे बैलेंसिंग कराने, बैलेंसिंग ऑफ फोर व्हीलर रोटेटिंग मास का जो होता है, चारों फोर व्हील का लोग बैलेंसिंग करते हैं, तो वहाँ आप देखते होंगे या फिर व्हील्स में देखिएगा फोर व्हीलर में इतना इतना छोटा सा एक जो होता है आयरन टाइप या कुछ अगर कुछ मासेस उसमें ठोका रहता है। क्यों? बिकॉज जो देखता है रोटेट करा के, जिधर देखता है ज़्यादा का मास कम है उधर वो ऐड करता है। तो हम बैलेंसिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बैलेंसिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी आर मॉडिफाइंग द सिस्टम या मशीनरी एलिमेंट्स इन विच वी आर एडिंग या सब्सट्रैक्टिंग मासेस, वी आर एडिंग या सब्सट्रैक्टिंग मासेस टू एन एक्सेप्ट सो दैट अनबैलेंस फोर्सेस गेट्स मिनिमाइज्ड अप टू एक्सेप्टेबल लेवल एंड इफ इट इज पॉसिबल देन वी आवर एम शुड बी टू रिमूव ऑल द अनबैलेंस फोर्सेस। यही बात इसमें लिखा हुआ है, बैलेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग या मॉडिफाइंग द मशीनरी सो दैट द अनबैलेंस्ड फोर्सेज इज रिड्यूस्ड टू एन एक्सेप्टेबल लेवल एंड इफ पॉसिबल शुड बी एलिमिनेटेड कम्प्लीटली। मतलब डिजाइनिंग एंड मॉडिफाइंग, मतलब इससे क्या होता है, मास ऐड कीजिए या मास रिमूव कीजिए, यही डिजाइनिंग हो गया। तो अभी हम आपको बताएं कि जब ये प्रॉब्लम कब क्रिएट होता है, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका जो सीजी होता है दूर होता है। और बिकॉज देखिए होगा तो थोड़ा सा दूर, लेकिन ये फोर्सेस बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है, बिकॉज ये जो रोटर होता है स्टीम टरबाइन, अगर सपोज कि ये स्टीम टरबाइन है वो चल रहा है, बिकॉज उसमें क्या होता है उसका स्पीड इन क्या होता है 1500 RPM 3000 RPM इससे ज़्यादा ही स्पीड पे चलता है। ये RPM है, इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो ओमेगा आएगा, और मासेस तो फिर देखिए इसका स्क्वायर होता है। तो देखिए आप सब अब इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बिग अमाउंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्रिएट होता होगा, ठीक है। तो अभी हमने बैलेंसिंग के बारे में देखा कि बैलेंसिंग क्या होता है और बैलेंसिंग कैसे करेंगे। जो डिप्लोमा सिलेबस में है ओनली बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास के बारे में पढ़ना है, रेसिप्रोकेटिंग मास के बारे में नहीं पढ़ना है उसमें। तो अभी हम जब देखते हैं कि रोटेटिंग मासेस का बैलेंसिंग कितने तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए इसमें भी आता है फिर अगर हम बैलेंसिंग करने जा रहे हैं तो दो होता है, एक होता है स्टैटिक बैलेंसिंग, एक होता है डायनेमिक बैलेंसिंग, ठीक है। तो हम अभी वन बाय वन करके देखते हैं क्या होता है स्टैटिक और क्या होता है डायनेमिक बैलेंसिंग। अभी हम बैलेंसिंग के बारे में देख रहे हैं कि अब बैलेंसिंग कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक बैलेंसिंग, एक होता है डायनेमिक बैलेंसिंग। हम स्टैटिक बैलेंसिंग कब करेंगे, डायनेमिक बैलेंसिंग कब करेंगे देखते हैं। जैसे देखिए अगर किसी भी सिस्टम का कोई भी जो सिस्टम है उसका सीजी सेंटर ऑफ मास अगर एक्सिस को रोटेशन पे लाई कर रहा है तो ऑलरेडी है क्या है कि ऑटोमेटिकली बैलेंस है, मतलब बैलेंस रहेगा। तो हम उसको चेक करने के लिए अगर स्टैटिक बैलेंसिंग उसमें हमको अगर चेक करना है तो हम वनली फोर्स, वनली जो डायनेमिक फोर्सेस जो होता है उसको बैलेंस कर देंगे अगर, तो वो सिस्टम क्या है स्टैटिकली बैलेंस हो जाएगा। अगर कोई भी सिस्टम है वो अनबैलेंस्ड है अगर हम उसको जो भी करके बैलेंस करके अगर समेशन ऑफ फोर्सेस डायनेमिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम जीरो कर दें तो वो स्टैटिक बैलेंसिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन अगर हमको डायनेमिक बैलेंसिंग करना है, अगर ये करना है तो क्या हो जाएगा, ये स्टैटिक बैलेंसिंग हो जाएगा। अगर हमको किसी का डायनेमिक बैलेंसिंग करना है तो उसके हमको समेशन ऑफ ऑल द डायनेमिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो होना ही चाहिए, साथ में समेशन ऑफ मोमेंट ड्यू टू ऑल द डायनेमिक फोर्सेस शुड ऑल्सो बी जीरो। अगर किसी सिस्टम का पर जो समेशन ऑफ डायनेमिक फोर्सेस जीरो है और मोमेंट भी जीरो है तब उसको बोलेंगे डायनेमिक बैलेंसिंग। और जब स्टैटिक बैलेंसिंग में ओनली फोर्स अगर जीरो हो गया तो सफिशिएंट कंडीशन है कि सिस्टम स्टैटिकली बैलेंस्ड है। इसके लिए हमको ओनली वन कंडीशन चाहिए होता है स्टैटिक के लिए, और डायनेमिक के लिए हमको दो कंडीशन चाहिए होता है, ठीक है। अब देखिए अब स्टैटिक बैलेंसिंग कब करते हैं और डायनेमिक बैलेंसिंग कब करते हैं, देखिए जब
जो जितने भी अनबैलेंस्ड मासेज है या कोई मासेज है, मासेज है सिंपली बोले हम, वो जब उसका रोटेशन होता है इन वन प्लेन होता है, जब रोटेशन होता है वन प्लेन होता है, तो हम कौन सा बैलेंसिंग करते हैं? स्टैटिक बैलेंसिंग। व्हेन अप्लाइड, स्टैटिक बैलेंसिंग कब अप्लाइड? व्हेन ऑल द मासेस आर रोटेटिंग इन सेम प्लेन। जब सेम प्लेन में सारे के सारे मास रोटेट कर रहा है तो वनली स्टैटिक बैलेंस से ही हमारा काम चल जाएगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्लेन, अगर डिफरेंट प्लेन में कर रहा है, व्हेन मासेज रोटेट्स इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेन, जब अगर डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में मासेज रोटेट कर रहा हो, एक नहीं दो प्लेन हो, ठीक है ना, आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, अगर ये वाई एक्सिस है तो ये जो प्लेन हुआ ये एक्स वाई प्लेन कहेंगे, और ये जेड एक्सिस भी हो गया, तो अगर सब ये सब कुछ यही साइड में ले रहे हैं, अगर ये जेड एक्सिस है तो देखिए अगर यहाँ पे है तो कितना प्लेन हो गया, ये एक एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन हो गया ना, दो डिफरेंट प्लेन में रोटेट कर रहा है अगर, तो हमको डायनेमिक बैलेंसिंग करना ही पड़ेगा, बिना उसके नहीं होगा। तो डिप्लोमा सिलेबस में है दो, सिंगल मास रोटेटिंग इन सेम प्लेन एंड मल्टीपल मासेज रोटेटिंग इन सेम प्लेन, यानी सेम प्लेन का है डिप्लोमा वाले सिलेबस में। तो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट को मतलब स्टैटिक बैलेंसिंग तक पढ़ना है, लेकिन जो और है गेट से लेके ईएस इंजीनियरिंग सर्विस, उस समय डायनेमिक बैलेंसिंग भी आता है, ठीक है। तो हम अभी स्टैटिक बैलेंसिंग के बारे में देख रहे हैं, स्टैटिक बैलेंसिंग क्या होता है। हम आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि अगर किसी भी सिस्टम का सीजी उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाइक करता है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम क्या है, स्टैटिकली बैलेंस है। और उसको स्टैटिकली बैलेंस होने के लिए अगर हमको चेक करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, किसी भी सिस्टम को स्टैटिकली बैलेंस, फॉर द सिस्टम टू बी स्टैटिकली बैलेंस द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द डायनेमिक फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग रोटेशन मस्ट बी जीरो। देखिए ड्यूरिंग एक्टिंग ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग रोटेशन मस्ट बी जीरो, वीडियो को पॉज करके ये स्टेटमेंट को लिख लीजिएगा, स्टैटिक बैलेंसिंग इसी को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम डायनेमिक बैलेंसिंग का डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम स्टैटिक बैलेंसिंग कैसे करते हैं वन बाय वन करके देखते हैं। किसी सिस्टम को हम स्टैटिक बैलेंस तब कहेंगे जब उस पर लगने वाला जो डायनेमिक फोर्सेस, जो डायनेमिक फोर्सेज होता है वो उस पर जीरो हो, जिसका रिजल्टेंट ऑफ ऑल द डायनेमिक फोर्सेज का जीरो हो। और डायनेमिक बैलेंसिंग कब कहेंगे, जब ये सेटिस्फाई, उसको दो कंडीशन करना पड़ेगा, स्टैटिक में ओनली वन कंडीशन करना पड़ता था जो कि फर्स्ट कंडीशन लिखा हुआ है, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द डायनेमिक फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग रोटेशन मस्ट बी जीरो, अगर इतना करता है तो स्टैटिक बैलेंस है। साथ में अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि रिजल्टेंट कपल यानी मोमेंट ड्यू टू ऑल द डायनेमिक फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग रोटेशन मस्ट बी जीरो, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसमें क्या है समेशन ऑफ फोर्सेज क्या है जीरो है, ये समेशन ऑफ मोमेंट क्या है जीरो है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई, तो उसको बोलेंगे ये डायनेमिक बैलेंस है। तो हमने आपको बता दिया ऑलरेडी कि दो बैलेंसिंग होता है, दो टाइप का, एक होता है डायनेमिक एक होता है स्टैटिक, हम लोगों ने दोनों के बारे में देख लिया, स्टैटिक क्या होता है डायनेमिक क्या होता है। और अभी हम बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस के बारे में देख रहे हैं, बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस के बारे में यहाँ से देखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस के बारे में देखते हैं कि रोटेटिंग मास का बैलेंसिंग कैसे करेंगे। तो हमारा पहला केस है बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास, जब सिंगल रोटेटिंग मास हो तब हम बैलेंस कैसे करते हैं। हम आपको एक चीज़ बता दिए थे ऑलरेडी कि जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो सिंगल रोटेटिंग मास है तो क्या होगा, सिंपल है ना, किसी एक ही प्लेन में होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में होगा ही नहीं। तो बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास व्हेन रोटेटिंग इन सिंगल प्लेन या सेम प्लेन लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेम प्लेन, अगर सेम प्लेन में है तो हम आपको इसके लिए भी ऑलरेडी पहले बता चुके हैं एक बात, जब स्टैटिक बैलेंसिंग के बारे में बता रहे थे कि जब अगर सेम प्लेन में रोटेट कर रहा है तो उसके लिए हमारा ओनली स्टैटिक बैलेंसिंग अगर कर दे तो हमारा काम चल जाएगा, ओनली स्टैटिक बैलेंसिंग कर दे तो हमारा काम चल जाएगा। और स्टैटिक बैलेंसिंग के लिए हमको ओनली फोर्स का
जो डायनेमिक फोर्स होता है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत होता है। अगर वही रोटेटिंग इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेन रहता, और ये तो सिंगल मास है तो डिफरेंट प्लेन का तो मतलब ही नहीं है, एक ही प्लेन होगा। अगर डिफरेंट प्लेन रहता तो उसके लिए हमको फोर्स और मोमेंट दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, फिर वो डायनेमिक बैलेंसिंग का केस आ जाएगा, ठीक है। अगर सिंगल रोटेटिंग मास है तो केस किसका है, ये स्टैटिक बैलेंसिंग का। हमको किसका फोर्स सिंपल बैलेंस करना है, हमको फोर्स को बैलेंस करना है, ठीक है। क्या है कि जैसे देखिए, ये कोई शाफ्ट है, शाफ्ट है, ठीक है ना, शाफ्ट है, उससे एक उस पर जो एक मास है, कोई ये मास अनबैलेंस्ड मास है, अनबैलेंस्ड मास है किसी रेडियस आर पे, किसी रेडियस आर पे है वो, अगर ये है तो इसको हमको बैलेंस करना है। तो इसका भी बैलेंस करने का दो तरीका है, एक एनालिटिकल, एक ग्राफिकल, एक ग्राफिकल। तो हम वन बाय वन करके दोनों के बारे में बताएंगे, एनालिटिकल कैसे करते हैं, ग्राफिकल कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम सपोज कीजिए कि रेडियस आर पे ये मास है और शाफ्ट जो है ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो इस पे फोर्स, अनबैलेंस फोर्स कितना होगा इस पे, इस पे अगर ओमेगा स्पीड से कर रहा है तो इस पे फोर्स कितना, एम आर ओमेगा स्क्वायर, यही तो फोर्स होगा इसका। जितना रेडियस आर जिसका जितना इसेंट्रिसिटी होगा, आर जितना दूर होगा इसे शाफ्ट से, उतना ही तो फोर्स होगा इस पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अनबैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ही तो क्रिएट होगा। तो हमको इसको बैलेंस करना है, अगर इतना अनबैलेंस फोर्स है तो हमको इसको बैलेंस करने के लिए इतना ही मासेस, इतना ही फोर्स का एक अपोजिट डायरेक्शन में, जितना ये फोर्स है उतना ही फोर्स एक हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात, ये ओनली हमको क्या बैलेंस करना है, स्टैटिक फोर्स बैलेंस करना है। फोर्स बैलेंस करना है यानी इतना अगर अनबैलेंस फोर्स है तो इतना ही सेम अमाउंट का अगर फोर्स, अगर देखिए कोई ऑब्जेक्ट है अगर ऐसे है, चलिए ये तो हम स्टैटिक केस बता रहे हैं, अगर ये ऐसे है इसको ऐसे खींच रहे हैं तो दोनों बगल सेम लग रहा है ना, तो उसी टाइप से जिस तरीके से रोटेट कर रहा है उसी के अपोजिट में अगर हम कोई मास, सपोज कीजिए कि कोई मास हम बैलेंस मासेस को एम बी से डिनोट कर रहे हैं, बैलेंस एम बी, ये है बैलेंस मास, ये है अनबैलेंस मास। कोई दूरी या कोई भी मान लेते हैं कि डिस्टेंस बी डिस्टेंस पे हम रख दे रहे हैं, तो इसमें कितना फोर्स होगा, ये फोर्स बैलेंस्ड मास क्या है एम बी, डिस्टेंस क्या है बी, रोटेशन तो बदलेगा नहीं, रोटेशन तो वही रहेगा ना क्योंकि सेम शाफ्ट पे है तो वही रहेगा, तो बैलेंस मास हमको कितना लगाना पड़ेगा, तो कितना लगाना पड़ेगा अगर इतना फोर्स लगा दिए, ठीक है। और एक जो कंडीशन है कि सिस्टम को बैलेंस्ड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ फोर्सेस क्या है, जीरो होना चाहिए, तो यानी एफ सी इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, ये एफ सी इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, एफ सी इज इक्वल टू एफ बी अगर हो गया, यानी एम आर ओमेगा स्क्वायर को एम बी आर ओमेगा स्क्वायर, अगर ओमेगा में यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है तो एम आर प्रोडक्ट ऑफ एम आर सॉरी ये बी है, एम बी बी अगर ये इक्वल है तो हम बोल देंगे कि सिस्टम हमारा बैलेंस्ड हो गया है, सिस्टम हमारा बैलेंस्ड हो गया है। ये किसका तरीका था, रोटेटिंग बैलेंसिंग मास का, जब हम बाई इस फॉर्मूला से करते हैं तो उसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड, जब हम ग्राफ बनाए करेंगे तो उसको बोलेंगे ग्राफिकल मेथड। उसको हम एक क्वेश्चन लेंगे फिर उसके थ्रू देखेंगे, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि इसी में, अगर इसी में बहुत सारे मासेज रहते, अगर इसी में बहुत सारा मास रहता तो कैसे करते हम, चलिए उसके लिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, कि अगर बहुत सारा मास रहता तो फिर हम कैसे उसको बैलेंस करेंगे, अगर ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आज आप समझ गए होंगे कि हमको बैलेंस्ड अगर करना है, केस वन देखे हम बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास तो कैसे करना है, एम आर जो है जो अनबैलेंस्ड मास एम आर है, देखिए इसमें कौन सा क्या है जिसे कन्फ्यूज मत होने का, ये एम जो है अनबैलेंस्ड मास है, ये अनबैलेंस्ड मास था, इसको बैलेंस करने के लिए हम इधर बैलेंस्ड मास लगाएं, ये बैलेंस्ड मास है। तो कैसे, बस ओनली फोर्स को इक्वेट कर देंगे तो स्टैटिक बैलेंसिंग हो जाएगी, ठीक है, चलिए।